नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चहेता बाबा, आप देख रहे हैं टिकटॉक्स बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज डिस्कस करने वाले हैं कि एप्पल इवेंट के बारे में है। एप्पल इवेंट हो चुका है, इसमें देखेंगे तो बहुत कुछ लॉन्च हो चुके हैं। पहला देखेंगे तो एप्पल का एयरकेड है। एप्पल एयरकेड लॉन्च हो चुका है, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, एआर का सर्विस है ये। इसमें देखेंगे तो वीडियो गेम्स खेल सकते हो एआर के साथ। इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पर मंथ देखेंगे तो $5 में $5 है और इंडिया की करेंसी में देखेंगे तो $99 रखा गया है दोस्तों। अगला देखेंगे तो एप्पल टीवी प्लस के बारे में है। एप्पल टीवी प्लस लॉन्च हो चुका है, November 1st अवेलेबल होने वाला है। इसकी सब्सक्रिप्शन सर्विस है, वीडियो सब्सक्रिप्शन सर्विस है ये। इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो पर मंथ कॉस्ट $5 है, इंडिया में देखेंगे तो ₹99 है। जो आप आगे से एप्पल के जो प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो ये सब्सक्रिप्शन सर्विस आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलने वाला है दोस्तों। और अगला देखेंगे तो आईपैड के बारे में है। 7th जनरेशन का एप्पल का आईपैड लॉन्च हो चुका है। ये ट्रेडिशनल आईपैड एप्पल का आईपैड होने वाला है, इसमें फिजिकल होम बटन होने वाला है दोस्तों। और दूसरा देखेंगे तो इसका स्क्रीन साइज रेटिना डिस्प्ले है, 10.6 इंचेस का रेटिना डिस्प्ले है दोस्तों। और इसका कॉस्ट देखेंगे तो दोस्तों सिर्फ $329 है और इंडिया में देखेंगे तो 29,900 रखा गया है दोस्तों। अगला देखेंगे तो एप्पल वॉच के बारे में। एप्पल वॉच सीरीज 5 लॉन्च हो चुका है, इसमें 2 मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं, GPS एंड सेल्युलर। इसके दोनों का कॉस्ट देखेंगे तो GPS का कॉस्ट $399 है, सेल्युलर का कॉस्ट देखेंगे तो $499 है। ये दोनों ही September 30 से अवेलेबल होने वाला है दोस्तों। और दूसरा देखेंगे तो इसका डिस्प्ले रेटिना डिस्प्ले होने वाला है, वो भी 24 आवर्स ऑन डिस्प्ले होने वाला है। इसमें LPTO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। और इसमें देखेंगे तो दोस्तों इनबिल्ट कंपास आने वाला है दोस्तों, इनबिल्ट कंपास आने वाला है, पहले बार है एक स्मार्ट वॉच में कंपास आने वाला है दोस्तों, वो भी एप्पल की तरफ से। और दूसरा देखेंगे तो दोस्तों इसका बैटरी लाइफ, कंपनी का कहना है कि 1 दिन आएगा बैटरी लाइफ दोस्तों। सेल्यूलर के डिवाइस में देखेंगे तो इंटरनेशनल इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हो दोस्तों। और एप्पल का सीरीज 3 जो वॉच है उसका कॉस्ट गिर गया है, इसका कॉस्ट देखेंगे तो डॉलर्स में $199 है और इंडिया में देखेंगे तो 20,900 रखा गया है दोस्तों। प्राइस ड्रॉप हुआ है। एप्पल के आईफोन्स लॉन्च हो चुके हैं, एप्पल आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स रिलीज हो चुके हैं। पहला देखेंगे तो एप्पल 11 फ़ोन के बारे में है। एप्पल 11 फ़ोन देखेंगे तो 6.1 इंचेस का डिस्प्ले साथ आने वाला है, वो भी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले साथ आने वाला मोबाइल है। ये पहला मोबाइल है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले साथ आने वाला मोबाइल है। इसमें देखेंगे तो एप्पल का A13 बायोनिक चिप यूज़ किया गया है, ये डॉल्बी एटम को सपोर्ट करने वाला है दोस्तों। इसमें बैक साइड में 2 कैमरास होने वाला है, 12MP के। पहला कैमरा देखेंगे तो वाइड एंगल लेंस के साथ आने वाला है, दूसरा देखेंगे तो अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आने वाला है। दोनों कैमरा के साथ फ्लैश होने वाला है दोस्तों। और दूसरा देखेंगे तो फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो 12MP का सेल्फी कैमरा है, वो 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा एंड स्लो मोशन रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करने वाला है सेल्फी कैमरा, हाँ जी। और दूसरा देखेंगे तो इसमें बैटरी लाइफ, कंपनी का कहना है कि एक्स्ट्रा से कंपेयर करोगे तो 1 आवर एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आने वाला है एक मोबाइल में। और इसका कॉस्ट देखेंगे तो 64,000 रखा गया है इंडिया में दोस्तों। अगला देखेंगे तो आईफोन 11 प्रो मैक्स। लेवल प्रो को देखेंगे तो 5.8 इंचेस का स्क्रीन साथ आने वाला है, लेवल प्रो मैक्स को देखेंगे तो 6.1 इंचेस का भारी भरकम स्क्रीन साथ आने वाला है। ये दोनों ही फ़ोन में सुपर रेटिना डिस्प्ले आने वाला है। इसमें देखेंगे तो दोनों फ़ोन में डॉल्बी एटम, डॉल्बी विजन सपोर्ट करने वाला है दोस्तों। और इसमें देखेंगे तो 3 कैमरा सेटअप होने वाला है दोनों ही फ़ोन में, 12MP के कैमरा आने वाले हैं। ये तीनों कैमरा बात करेंगे तो वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, टेलीफोटो लेंस के साथ आने वाला है। और फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो 12MP का कैमरा के साथ आने वाला है, ये स्लो मोशन वीडियोस को और 4K वीडियोस को सपोर्ट करने वाला है। दोनों ही फ़ोन में 18W का चार्जर मिलने वाला है दोस्तों। और इसका कॉस्ट देखेंगे तो आईफोन 11 प्रो का $999 है डॉलर्स में और 11 प्रो मैक्स का देखेंगे तो $1,099 है। और दोनों ही फ़ोन September 27 से अवेलेबल होने वाले हैं। कंपनी पहले अनाउंस किया है कि ये September 20 से अवेलेबल होने वाला है, बट रिसेंट अपडेट मिल चुका है कि ये मोबाइल September 27 से अवेलेबल होने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगला देखेंगे तो एप्पल iPhone 8 XR के प्राइजेस ड्रॉप हो चुके हैं। एप्पल iPhone 8 का प्राइस देखेंगे तो $449 है और XR का प्राइस देखेंगे तो $599 है। आप खरीद सकते हो दोस्तों, ये September 27 से अवेलेबल होने वाले, इसके सेल स्टार्ट होने वाले दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलना दोस्तों। जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।